तो हेलो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। गाइस आज का ये वीडियो ना आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस मेरी आप सभी लोगों से दिल से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस वीडियो पे क्लिक करके नए आए हो या तो पुराने हो और अभी तक अगर आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल कर दीजिए ताकि आपको मैं फ्री फायर के डेली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे टाइम टू टाइम। हाँ तो गाइस आज का वीडियो इम्पोर्टेंट और मज़ेदार क्यों है, क्योंकि आज के इस वीडियो में गाइस हम आपको बताने वाले हैं हैप्पी रिपब्लिक डे फ्री फायर इवेंट के बारे में। जी हाँ, जो हमारे देश का रिपब्लिक डे है उसमें कौन कौन से नए नए इवेंट्स आने वाले हैं और उसके बाद भी कौन कौन से नए इवेंट्स आने वाले हैं, ये सब आज इस वीडियो में गाइज हम बताने वाले हैं विद प्रूफ के साथ। तो प्लीज़ इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक ज़रूर देखें और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी अंदाज़ा लग जाए कि कौन कौन से इवेंट हम लोग को देखने को मिलेंगे। हाँ तो गाइज सबसे पहले मैं बता दूँ, जैसे हमारे यहाँ पे रिपब्लिक डे सेलिब्रेट होता है 26 तारीख को, वैसे वहाँ पे लूनार इवेंट सेलिब्रेट होता है 25 तारीख को। तो ये दोनों चीज़ साथ में आई है, वहाँ पे लूनार सेलिब्रेट होगा, यहाँ पे रिपब्लिक डे सेलिब्रेट होगा। तो वहाँ पे जो लूनार के लिए इवेंट आया यहाँ पे वो रिपब्लिक डे के लिए आएगा। तो मैं लूनार के लिए इवेंट दिखाना चाहूँगा आप लोग को। तो जैसे कि गाइस आप लोग अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो 2020 का टोकन है उसके जहाँ पे हम लोग को फ्लैग टोकन देखने को मिलेगा। प्राइजेस का मुझे मालूम नहीं कि कौन कौन से प्राइजेस होंगे, बट इतना कन्फर्म हूँ कि एक बंडल तो ज़रूर होने वाला है। वो कौन सा बंडल होगा वो मुझे अभी तक नहीं मालूम पड़ा है, ना तो कोई लीक्स मिला, क्योंकि इस बार का रिपब्लिक डे लोग छुपा के रख रहे गाइस, कुछ बता नहीं रहे। लूनार इवेंट तो बता दिया बट रिपब्लिक डे के बारे में कुछ नहीं बता रहे। आई होप कुछ अच्छा ही इन लोग निकालेंगे। और इसके साथ साथ गाइस इसमें आप लोग को बहुत सारे मतलब डायमंड रॉयल वाउचर्स, गोल्ड वाउचर्स देखने को मिलेंगे 25 से लेकर 26 तारीख तक। आई होप आप लोग सभी लो और सब लोग अच्छे अच्छे से स्पिन करो, ठीक है। तो गाइस अभी हम दूसरे इवेंट की बात करेंगे जो 26, जैसे ही अपना जनवरी ख़त्म होगा अपना समर उमर चालू हो जाएगा, जो गर्मी वर्मी का दिन है, तो उसमें बीच बंडल जैसे कि फेब के स्टार्टिंग वीक में हम लोग को एक इवेंट देखने को मिलेगा जिसका नाम है समर स्लैम करके, जिसके अंदर हमको बॉल के टोकन देखने को मिलेंगे। आइए मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा वो चीज़। हाँ तो गाइस जैसे कि आप लोग अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ऐसे कुछ बॉल के टोकन्स मिलेंगे जिसमें हमको बहुत सारे मैजिक क्यूब फ्रेगमेंट्स और बहुत सारे इमोट्स, बहुत सारे डायमंड रॉयल वाउचर्स, लेवल 8 का कार्ड, ये सब हम लोग को देखने को मिल सकता है यहाँ पे। और इसी के साथ साथ गाइस बंडल्स भी देखने को मिलेंगे। जो इसका बंडल है ना गाइस, मैं लकीली बोलूँ वो बीच बंडल का सबसे बेस्ट बंडल है जो आज तक अभी तक मैंने देखा है। सीरियसली अगर आप लोग को ध्यान से दिख नहीं रहा है तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, बट इतना जूम भी मैं नहीं करता हूँ वरना वो स्प्रेड हो जाएगा, आप लोग को अच्छे से नहीं दिखेगा। इसमें इवेंट कंप्लीट करने के लिए गाइस आप लोग को ज़्यादा कुछ नहीं करने का है, आप लोग को बस कुछ ना कुछ चैलेंजेस कंप्लीट करना पड़ेगा जो आप रेगुलर बेसिस पे भी कर सकते हो। जैसे जैसे आप फ्री फायर खेलते हो वैसे वैसे आप कर सकते हो। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हो गाइस कि ब्राज़ील में हम लोग को मिला हुआ है कि 15 दिन के लिए डायनो बंडल फर्स्ट तारीख को आने वाला है फ्री फायर में। तब मैं उसी का मतलब वेट कर रहा हूँ कि क्या हम लोग को भी वो चीज़ देखने को मिलेगी 15 दिन के लिए डायनो बंडल। अब देखने को मिलेगी तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं मिली तो अभी हम लोग कुछ नहीं कह सकते। भाई ये इंडिया है, इंडिया इंडिया इंडिया, अभी इंडिया में तो भाई जो चीज़ होती है वो बाहर देशों में तो होती नहीं है, और जो बाहर देशों में होती है उसका तो चांस ही नहीं कि वो इंडिया में होए। तो आई गाइस अगले इवेंट की बात करें, और गाइस ब्राज़ील में और एक चीज़ देखने को मिली है जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये एक यूट्यूबर है, बट जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि जो यूट्यूबर होते हैं उनको 1 लाख के बाद और 50 से लेकर 60 हज़ार तक रहेगा तो 1000 डायमंड मिलता है, और 1 लाख से लेकर जितना भी रहेगा तो 10 हज़ार डायमंड मिलता है। तो यहाँ पे यह महाशय भी एक यूट्यूबर है, फ्री फायर टॉप न्यूज़, आप उनका चैनल सर्च मार सकते हैं। इनको बस 300 डायमंड मिला है फ्री फायर के द्वारा। अब इनका ये कहना था कि ये मुझे फ्री फायर ने दिया है, किस सीज़न की वजह से दिया वो नहीं मालूम, बट उनके बाकी दोस्तों को भी ये चीज़ मिली है। तो अभी होपफुली शायद से फ्री फायर हमको भी दे दे या नहीं दे, अभी वो नहीं बोल सकते भाई, क्योंकि भाई फ्री फायर का भरोसा नहीं, फ्री फायर कब अपना ये चेंज कर दे। और गाइस कॉल बैक इवेंट भी वापस आएगा, जैसे समर स्लैम इवेंट जो है वो आएगा तो कॉल बैक इवेंट जो है वो भी आप लोग को देखने को मिलेगा। इसलिए मैं बोलूँ गाइस फटाफट फेसबुक अकाउंट बना लो, 10 या 8 कम से कम फेसबुक अकाउंट बनाओ, सबको अपने मेन अकाउंट से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दो ताकि आपके फेसबुक में लोग कनेक्ट हो जाओ, उसके बाद गेम को चालू ही मत करो। जैसे ही कॉल बैक इवेंट आएगा वैसे ही गेम को चालू कर दो, रिक्वेस्ट भेज के आपको जो भी चाहिए वो सब मिल जाएगा कॉल बैक इवेंट से। तो आप लोगों ने देख लिया गाइस कितने मज़ेदार इवेंट है। और एक गाइस इवेंट है जो सबसे खास है, इसलिए मैंने लास्ट में बचा के रखा था,
तो गाइज ये है वो इवेंट जो मैंने लास्ट में बचा के रखा था। ये इवेंट में गाइज आप लोग को बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये इवेंट में जो ये बंडल इसने जो पहना है वो हमको डायमंड टॉपअप में आया है। हमको ही नहीं सबको आया है, ठीक है, हमको ही नहीं सबको आया है डायमंड टॉपअप में। और मेरे ख्याल से इतना सक्सेसफुल नहीं रहा वो इवेंट जो डायमंड टॉपअप का जो इवेंट था, इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, इसीलिए फ्री फायर ने ये इवेंट को ड्रॉ इवेंट के तौर पे दिया गया है। और ड्रॉ इवेंट के तौर पे ये आने वाला है फ्री फायर में, ये बंडल हमको मिलने वाला है फ्री फायर में, और जिसके लिए मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे आपका नहीं मालूम कि आप एक्साइटेड हो कि नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना अगर आप एक्साइटेड हो। तो गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही, आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा। और गाइस मैं एक चीज़ बता दूँ कि जो भी कॉन्ट्रोवर्सीज कहता है उस पर ध्यान मत दो गाइस। कल का अगर आप लोग ने मेरा वीडियो नहीं देखा है राइस चाय वाला, तो आप लोग जाके देख सकते हो। कोई अगर इस टाइप का कॉन्ट्रोवर्सी करेगा जिस तरीके का मैंने किया है, तो लोगों को पसंद भी आएगा, लोग गाली गलौज दे के अपना मुंह ख़राब कहते हैं। और इसी के साथ साथ गाइस आप लोग भी सोचने लग जाते हो कि भाई ऐसा इसने क्या कह दिया जो इतनी गंदी गंदी गाली देने को मिला। और जीएसके क्या बात करेगा यार, जो एक ज़माने में ज़िम्मेदार है फ्री फायर की आईडी बैन करवाने का, इतने लोगों की जो आईडी बैन हुई ना उसमें सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार जीएसके, वो क्या बात करेगा। लुल्लू बॉक्स किसने लाया, जीएसके ने लाया ना, 1-2 लाख जिसकी आईडी बैन हुई जीएसके की वैसे बैन हुई है ना, तो वो क्या बात करेगा। और एक चीज़ जो फ्री फायर हैक के बारे में वो बता रहा है ना, जो फ्री फायर हैक के बारे में उसने बताया है ना, मैं लिख के देने को तैयार हूँ। वो जो इसका आया था ना, क्या बोलते हैं, अरे यार क्या बोलते हैं, वो अपना रिफंड का, वो किसने लाया था, जीएसके ने लाया था। जीएसके ने सबसे पहला यूट्यूब में कहता था वो, मैं किसी को बताया था, फिर उसके एक चमचे ने सबको फैला दिया। क्या वो क्या बोलेगा, उसका मुंह खोलने जाएंगे ना, वो यूट्यूब पे रहने के लायक नहीं है। मैं गलत नहीं बोलना चाहता हूँ इसलिए चुप हूँ, वरना अगर बोलना चालू करूँ ना भाई तो उसकी इज्जत निकल जाएगी और वो कहीं का रहेगा भी नहीं। जो गाली गलौज कहता है ना उसकी अभी उसकी फाई के उसका डंडा उसके पीछे से घुसाऊंगा, मुंह से निकालूंगा, वो एक शब्द नहीं बोल पाएगा। और ज्ञान भाई तो बस गाली दिए ना, मैं तो उसकी इज्जत निकालूंगा और रास्ते पे बेचूंगा भी उसको, ऐसा बंदा हूँ मैं। मैं शांत हूँ, बोले जा रहे कल थंबनेल देखा सुनीता मैम के बारे में, लाइक सीरियसली तू चूत, मैं कुछ नहीं बोलने गाइस। अगर आप लोग चाहोगे तो मैं वीडियो बनाऊंगा, मैं कम्युनिटी टैब पे डालूंगा, ठीक है, उसके बाद आप लोग बताना कि मैं वीडियो बनाऊं कि नहीं बनाऊं, ठीक है, क्योंकि उसका बहुत हो रहा है यार, हद पार कर रहा है बंदा, ठीक है। 6 महीना तू जहाँ पे भी अपनी मरवाया है ना वापिस से वहीं पे चले जा, हम लोग को चाहिए ही नहीं कि तू यहाँ पे रहे, पैसा कमाए यूट्यूब से, मैं अभी नहीं बोलूँगा आप लोग चाहिए तो मैं कम्युनिटी टैब डाल दूँ, आप लोग बता देना आप लोग को वीडियो चाहिए कि नहीं। तो चलो गाइस बाय बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू ऑल, सी या।